नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीबीए में एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कोर्स में। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है एनटीसीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये एक स्टेटूटरी बॉडी है। स्टेटूटरी बॉडी का मतलब है कि किसी न किसी पार्लियामेंट में एक्ट के तहत बनाई गई है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 में लाया गया। 95 में फॉर्मली ये बॉडी ने स्टार्ट कर दिया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टीचर का रोल और उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, उसकी ट्रेनिंग कैसी होगी। ये काउंसिल फंक्शन करती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए, वो सभी मैटर में जिसमें टीचर्स का एजुकेशन जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसका जो सेक्रेटरीट है वो पहले एनसीईआरटी में था। ओके, तो ये बात याद रखना, इसका जो सेक्रेटरीट है ये पहले से ही एनसीईआरटी में था। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो एनसीईआरटी सभी को पता होगा, इसकी बुक्स आती हैं। ओके, जो लोग सीबीएसई से पढ़े हैं उन्हें भी क्लियर होगा कि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की बुक्स ही सभी सीबीएसई स्कूल्स का बेस होती हैं। तो इसका सेक्रेटरीट एनसीईआरटी में है। फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो 1995 में एनसीटीई, ये 1995 में बना, 93 में जो एक्ट आया था, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा था 1973 से। तो 73 से लेकर 93 तक इन 20 सालों तक इसने किया क्या? तो ये गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बॉडी था, एडवाइस करता था गवर्नमेंट को कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि टीचर एजुकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एनसीटीई के पास कोई फॉर्मल एक स्टेटस नहीं था। तो एनसीटीई वाज ओनली द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सिर्फ इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि टीचर के फील्ड में रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। तो स्टार्टिंग इसकी 95 से हुई, लेकिन ये 73 से इस्टेब्लिश था एज अ एडवाइजरी बॉडी। फिर एनसीटी हुआ क्या 73 से 93 तक? होता क्या था कि एनसीटी एक एडवाइजरी बॉडी थी, तो इसके पास कोई फॉर्मल ज्यूरिडिक्शन नहीं था। ओके, इसके पास एक फॉर्मल वर्किंग प्रोसीजर नहीं था, ये सिर्फ एडवाइस करती थी और गवर्नमेंट को जो मानना है वो एक्सेप्ट करती थी, जो नहीं मानना है वो रिजेक्ट करती थी। नाउ, लेकिन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई 1986 में, तो इस एजुकेशन पॉलिसी ने बोला कि टीचर्स के लिए कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो टीचर्स को मैनेज करे। ओके, टीचर टीचिंग फील्ड में रिसर्च करे, डेवलपमेंट करवाए। तो फिर 1986 में ये बात कही गई थी, तब जाकर 93 में ये एक्ट आया था और इसे फॉर्मल पावर्स प्रोवाइड की गई थी। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की बात पर कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये डेवलप करता है टीचर एजुकेशन सिस्टम, ये नॉर्म डिसाइड करता है, स्टैंडर्ड डिसाइड करता है टीचर एजुकेशन सिस्टम के, ट्रेनिंग देता है इंडिविजुअल्स को ताकि वो प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टेज के स्कूल में पढ़ा सकें। साथ ही साथ नॉन फॉर्मल और पार्ट टाइम एजुकेशन के लिए भी ये टीचर्स को तैयार करता है। एडल्ट एजुकेशन के लिए और डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज भी इसमें हैं। जो इसका फंक्शन है इसका कि इट मेक द रिकमेंडेशन टू बोथ स्टेट एंड सेंटर, दोनों को रिकमेंड करता है, साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ को, यूजीसी को और बाकी जितने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको ये रिकमेंडेशन देता है। फिर गाइडलाइन पर आते हैं, ये गाइडलाइन मैक्सिमम के लिए नहीं इशू करता है, ठीक है, ये मिनिमम के लिए इशू करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये मिनिमम गाइडलाइन इशू करता है कि कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए टीचर्स की। फिर स्टेप फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन ना हो, ठीक है, टीचिंग फील्ड का कमर्शियलाइजेशन ना हो, ये भी एनटीसीई की जिम्मेदारी है कि वो इसकी देखरेख करे। एज ऑन 2007 में एनटीसीई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था और फिर इसके बाद जो रीजनल हेडक्वार्टर्स थे, तो रीजनल हेडक्वार्टर भी कई सारी सिटीज़ में थे, कई सारी सिटीज़ में नहीं, ऐसे नहीं 10-50 में। तो चार इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं इसे याद रखना, जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडिया है कि बेंगलोर यहाँ पर है, फिर भुवनेश्वर यहाँ पर है,
भोपाल यहाँ पर है, जयपुर इस जगह है। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये इसके करेस्पॉन्डिंग हेडक्वार्टर रीजनल हेडक्वार्टर्स थे। फिर उसके बाद इसकी अथॉरिटीज़ पर आ जाते हैं। अथॉरिटी के लिए अभी जो प्रेजेंट में अथॉरिटी है, इनकी चेयरपर्सन है अनीता करवाल जो कि IAS हैं, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अभी वैकेंट है जो इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। इसके मेंबर सेक्रेटरीज हैं संजय अवस्थी जी जो कि एक IRS हैं। तो दोस्तों ये था NTC का पूरा परफॉर्मा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि किस ईयर में ये बना, इसे एक्ट के थ्रू बनाया गया, ये क्या काम करता है, और जितनी भी BEd, MEd, DEd जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड डिग्रीज़ हैं जिनकी भी लास्ट में ED लगा हुआ है, वो सारी डिग्रीज़ कौन प्रोवाइड करवाता है? NTCE ही प्रोवाइड करवाता है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, अगर किसी डिग्री का नाम दे देता है जिसके लास्ट में ED लगा हुआ है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वो 100% NTCE ही है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा NTCE का लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपने डाउट और सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके नोट्स आपको इस फेसबुक के पेज से मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो इसमें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, हमारे मेंबर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके बाद उसमें जितना भी डेटा है वो सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल आंसर देम ऑल इन एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम। सो थैंक यू फॉर द डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।